दुनिया भर में कैंसर पेशेंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और भारत में भी इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड कैंसर डे पर न्यूज नेशन ने शुरू की है एक ऐसी ही मुहिम जिसका मकसद है कैंसर के खिलाफ जागरूकता फैलाना ताकि इस बीमारी से जंग जीती जा सके। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, इसका नाम सुनते ही इंसान के दिल में डर बैठ जाता है। इसी वजह से कई बार लोग इस बीमारी को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही लापरवाही आगे चलकर खतरनाक हो जाती है। डॉक्टरों और विशेषज्ञों की माने तो भारत में लगातार कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। सितंबर 2020 में लोकसभा में पेश एक जवाब के मुताबिक साल 2018 में भारत में कैंसर मरीजों की संख्या 13,25,000 थी, जो 2019 में बढ़कर 13,58,000 हो गई। वहीं नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में कैंसर के केस 13,90,000 तक पहुंच चुके हैं और 2025 तक इनके 15,70,000 होने का अनुमान है। डॉक्टरों की माने तो कैंसर के केस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है लोगों में जागरूकता की कमी। कैंसर के केस में सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे डॉक्टर्स के पास जो कैंसर के पेशेंट्स पहुंचते हैं वो आमतौर पर थर्ड या फोर्थ स्टेज में पहुंचते हैं और इस स्टेज में कैंसर के पेशेंट्स को बचाना नामुमकिन हो जाता है किसी भी देश में, सिर्फ भारत में नहीं, किसी भी देश में। लेकिन वही अगर पेशेंट हमारे पास फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज में आता है तो उसे आसानी से बचाया जा सकता है। तेजी से पांव पसार रहे कैंसर पर लगाम लगाने के लिए वर्ल्ड कैंसर डे पर न्यूज नेशन की मुहिम है कि लोग कैंसर को लेकर जागरूक बने, क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक अगर शुरुआती स्टेज में ही कैंसर का पता लग जाए तो इसका इलाज संभव है। मान लीजिए आपको खांसी होता है, मान लीजिए आपके मुंह में छाले हैं, मान लीजिए आपको नया गांठ होता है और इसमें कोई रिकवरी नहीं होता जो यूजुअली 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको कंसर्न डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर से मिलकर सबसे पहले उनसे ये पूछना चाहिए कि क्या इस तरह की गांठें या ये छाला जो हमें नहीं ठीक हो रहा है कैंसरस हो सकता है, क्या हमें बायोप्सी की जरूरत है, और फिर डॉक्टर के निर्देशानुसार आप कार्य करें। कैंसर लाइलाज नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ इस बात की कि लोग इसको नजरअंदाज ना करें, इसके खिलाफ जागरूक बने और शुरुआती स्टेज में ही डॉक्टर की सलाह लें। टीम न्यूज़ नेशन।